पढ़ाते हैं हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी ये पढ़ रहे थे जिसमें हमने पढ़ा कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो अगर कांस्टेंट होता है तो वो जीपी होती है। इस तरह से टर्म होते हैं ए ए आर ए आर स्क्वायर, इस तरह के टर्म दिखाई देंगे। इसमें एनथ टर्म ए आर पावर एन माइनस वन होता है, ठीक है। सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, ए इंटू वन माइनस आर पावर एन अपॉन वन माइनस आर, जब आर की वैल्यू वन नहीं होती। इनफाइनाइट टर्म्स का सम होता है ए अपॉन वन माइनस आर, जहाँ आर की वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में होती है। अगर थ्री टर्म्स जीपी में एज्यूम करने हो तो ए बाई आर ए ए आर एज्यूम करते हैं जब प्रोडक्ट दिया हुआ। थ्री टर्म्स ए बी सी अगर जीपी में है तो बी क्या, बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए सी, जहाँ बी को इसका ज्योमेट्रिक मीन भी कहते हैं। ये पॉइंट देखे थे सभी, कितने क्वेश्चंस किए थे, थ्री क्वेश्चंस किए थे या फोर, थ्री सर, थ्री। क्वेश्चन नंबर फोर लिखें, जीपी प्रवेश लिखें, इफ एस वन कॉमा एस टू कॉमा एस थ्री अप टू एस पी आर सम ऑफ इनफाइनाइट जीपीस, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपीस हुज फर्स्ट टर्म्स आर, हुज फर्स्ट टर्म्स आर वन टू थ्री अप टू पी एंड कॉमन रेशियोस आर, एंड कॉमन रेशियोस आर वन बाई टू वन बाई थ्री वन बाई फोर अप टू वन अपॉन पी प्लस वन रिस्पेक्टिवली एंड समेशन आर इज इक्वल टू वन टू पी एस आर इज इक्वल टू पी बाई टू पी प्लस लैम्डा then find lambda, then find the value of lambda. सभी लोग तेरे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर फोर जीपी पर बेस्ड ये प्रॉब्लम बनाए। लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है थ्री। सिद्धांत का आंसर आ गया है और बाकी ये बनाइए जल्दी से। क्वेश्चन लिख लिया था? यस सर, लिख लिया। क्या लिखा है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी है, एक जीपी नहीं है बहुत सारे जीपी हैं। पहली जीपी जो है उसमें फर्स्ट टर्म क्या है, उस जीपी का फर्स्ट टर्म वन है, कॉमन रेशियो वन बाई टू है और उसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम एस वन है। और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का क्या फॉर्मूला है,
a अपॉन वन माइनस आर, मतलब फर्स्ट टर्म अपॉन वन माइनस कॉमन रेशियो, तो एस वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन अपॉन वन माइनस वन बाई टू, कितनी हो गई है, वन माइनस वन बाई टू वन बाई टू, रेसिप्रोकल आ गया टू, एस टू, एस टू होगा वन अपॉन, सॉरी अब इसका फर्स्ट टर्म देखिए टू, कॉमन रेशियो वन बाई थ्री, तो क्या लिखोगे a अपॉन टू अपॉन वन माइनस वन बाई थ्री, वन माइनस वन बाई थ्री टू बाई थ्री, टू कैंसिल कितना आ जाएगा थ्री, ऐसे एस थ्री कैलकुलेट करोगे तो फर्स्ट टर्म थ्री, कॉमन रेशियो वन बाई फोर, कितना आएगा ये फोर, इसी तरह से एस पी अगर कैलकुलेट करेंगे तो p अपॉन वन माइनस वन अपॉन p प्लस वन, कितना हो गया ये p प्लस वन। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, समेशन r इज इक्वल टू वन टू, इस साइन का मतलब क्या है, समेशन r इज इक्वल टू वन टू p एस आर, मतलब r के प्लेस पे पहले वन रखना है कि s1 बन जाएगा, फिर टू रखना है s2 बनेगा, फिर थ्री रखना है, इस तरह से कहां तक रखना है p तक, और सबको ऐड करना है, ये इस एक्सप्रेशन का मतलब है। अब s1 की जगह रखा आपने टू, फिर थ्री, फिर फोर, कहां तक है ये p प्लस वन तक, कितने टर्म है इसमें, p टर्म है, और ये भी सब ap में है, ap के सम क्या होता है n बाई टू, तो यहाँ p बाई टू, p टर्म है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है टू, टू है ना, फर्स्ट टर्म लिखा टू, और लास्ट टर्म क्या है p प्लस वन, ये वैल्यू आ गई p बाई टू इंटू पी प्लस थ्री, और क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये है p बाई टू इंटू पी प्लस लैमडा, कंपेयर कीजिए इससे, तो लैमडा की वैल्यू कितनी हो गई थ्री, ये आंसर है, नोट करिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में किसी को डाउट है तो बताइए। नोट कर लीजिए, नोट कर लें तो बताएं, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव। लिखें क्वेश्चन नंबर, S1, S2, S3, up to SP are sum of, sorry ये तो अभी क्या ही था क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, इफ सम ऑफ फर्स्ट थ्री, इफ सम ऑफ फर्स्ट थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म, consecutive terms of the GP is 19 and their product is 216, then find the sum of infinite terms if it exists का मतलब क्या हुआ, अगर infinite terms का सम exist करे तो exist कब करता है, जब common ratio की value minus 1 और 1 के बीच में होती, तो common ratio की value minus 1 और 1 के बीच में लीजिए, क्या आ जाएगा, फिर इसको सॉल्व करें, सम ऑफ फर्स्ट थ्री कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी,
तीन टर्म्स का सम 19 दिया है और उनका प्रोडक्ट 216 दिया है। तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम कैलकुलेट करना। सर दो आएंगे क्या सर आंसर? नहीं, एक ही आंसर आया सर, तो पॉजिटिव वाले लेने हैं। जब एक ही आंसर आएगा, आर की वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में एक आएगी और एक वन से बड़ी आएगी, तो वन से बड़ी वैल्यू नहीं सर। सर जस्ट सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स है सर, उसकी अगर दो वैल्यू आएगी, अगर आर जो भी हमें मिला है उससे, तो आर क्या मिला पहले सॉल्व करो, अपने आप पता चल जाएगा। दो आएंगे एक आएंगे, सॉल्व करके देखिए। दो आ रही तो बताओ, 18 है, तुम तो दो बता रहे थे सर। क्या दो वैल्यू आएंगे कि एक ही आ रही है? सर एक माइनस 12 आ रही है। माइनस 12 सर शायद, सर तो आर आर माइनस वन और वन के बीच में होना चाहिए, वन से बड़ा होता है तो इनफाइनाइट हो जाता है सम। हाँ बोलो ध्रुव, 18 आ रहा है? सर एक आर सर 3/2 और 2/3 आ रहा है, तो कौन सा लेंगे? 2/3 लेंगे तो इनफाइनाइट टर्म्स का टर्म एग्जिस्ट करेगा। करो उससे सॉल्व और फाइनल आंसर बताओ। एटीन यार, 18 आ रहा है? यस सर। नहीं, गलत आ रहा है, गलत आ रहा है सिद्धार्थ, वो गलत आ रहा है। देखो थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हो। सर 12 12 नहीं, 12 भी नहीं आंसर। सर माइनस 12 नहीं सर, 27 27 किसने बताया ये आंसर? 27 संस्कार सही है वो, वेरी गुड बेटा संस्कार, 27 आंसर आया। अब कैसे देखिए, टर्म आपने क्या एज्यूम किए, लेट टर्म्स भी थ्री टर्म्स थे एपी के, फर्स्ट थ्री टर्म, फर्स्ट थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है ए बाई आर ए ए आर। ऐसा क्यों लिया? क्योंकि प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट कितना आ गया, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे आर कैंसिल, ए क्यूब बराबर 216, ए बराबर कितना आया 6 हुआ क्या? अब इनका सम दिया है, अब टर्म क्या हो गए 6/r 6 और 6r, इसका सम बराबर कितना है 19। एलसीएम लीजिए 6r² इससे ये माइनस होगा 19 प्लस माइनस 6 13, उसको एलसीएम मिलाइए तो माइनस 13r प्लस 6 बराबर 0, r से मल्टीप्लाई करके या एलसीएम ले लीजिए, ये आंसर आ गया। अब ये क्वाड्रेटिक है r में, इसको लिखिए 6r² माइनस 9r माइनस 4r प्लस 6 इक्वल टू 0, ये फैक्टराइज हो गया, 2r माइनस 3 इंटू 3r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू 3/2 या 2/3 आ रही, लेकिन इनफाइनाइट टर्म्स का सम किसके लिए एग्जिस्ट करेगा? 2/3 के लिए, 3/2 के लिए तो सम क्या होगा, प्लस r माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। r की वैल्यू माइनस 1 और 1 के बीच में है
तभी ऐसी इंफिनिटी एग्जिस्ट करता है, मतलब फाइनाइट होता है। तो इसलिए r की वैल्यू क्या लेंगे, 2 बाई थ्री, आर 2 बाई थ्री ले लिया। और फर्स्ट टर्म क्या है बताओ इसका, इस gp का फर्स्ट टर्म a बाई r, a अपान r है। ध्यान से देखिए, a अपान r है, ये टर्म हमने अज्यूम किया था, a नहीं है। यहाँ पे फॉर्मूला a अपान 1 माइनस r नहीं लगेगा, फर्स्ट टर्म a अपान r है। तो a अपान r मतलब 6 अपान 2 बाई थ्री, कितना हो गया ये, फर्स्ट टर्म 9 है। तो इसलिए सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म जब लगाओगे तो फर्स्ट टर्म की जगह क्या लिखोगे, 9 अपान 1 माइनस कॉमन रेस से, तो भैया 2 बाई थ्री, 9 अपान 1 बाई थ्री, आंसर कितना आ गया 27। नोट करिए और बताइए कोई डाउट है तो। नोट कर लें जल्दी से। नोट हो गया? Yes. चलिए थोड़ा सा हार्मोनिक प्रोग्रेशन आपको बताते हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन पहला था अरिथमेटिक, दूसरा था ज्योमेट्रिक, थर्ड है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी लिखते हैं, क्या होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, a sequence is said to be, a sequence is said to be in harmonic progression in HP if reciprocals of its terms are in AP. एक सीक्वेंस एचपी कब होती है, जब उसके टर्म्स का अगर आप रेसिप्रोकल्स ले लेते हो तो वो एपी बन रही हो, तो वो सीक्वेंस क्या होगी, एचपी होगी। मतलब कोई भी क्वेश्चन एचपी का है तो क्या करना है आपको, उन टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लो, वो एपी बन जाएगी। और एपी का क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तो बस वो सॉल्व कर दो। जैसे कि अगर ये कहा गया इफ ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन आर इन एच पी, ये एच पी में ए वन ए टू ए थ्री ए एन आर इन एच पी, देन अगर ये एच पी में होंगे तो इनका रेसिप्रोकल्स मतलब वन बाई ए वन, वन बाई ए टू, वन बाई ए थ्री अप टू वन बाई ए एन, ये किस में होंगे, विल बी इन ए पी। तो ये एपी में हो। अब ये अगर क्वेश्चन है कोई कुछ इसके लिए सॉल्व करना है तो अब आप ये सारी प्रॉपर्टीज एपी वाली ही लगती हैं। इवन इलेवेंथ में ट्वेल्थ में भी एपी में कन्वर्ट करके ही मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए जाते हैं एचपी के। अगर आपको एचपी की स्टैंडर्ड अपीयरेंस देखनी है कि किस क्या है अपीयरेंस एचपी की, तो बस एपी का ही रेसिप्रोकल है, वन बाई ए, फिर सेकंड क्या होगा, वन बाई ए प्लस डी। एपी का रेसिप्रोकल ले लीजिए, वही एचपी है, वन बाई ए प्लस टू डी, वन बाई ए प्लस थ्री डी,
वन बाई ए प्लस एन एन थीटा में भी का क्या था एन माइनस वन इन टू डी, ये एच पी है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। रिलेटेड दो तीन पॉइंट लिखते हैं, करेस्पॉन्डिंग टू एवरी एच पी, करेस्पॉन्डिंग टू एवरी एच पी देयर एग्जिस्ट एन एपी, जितनी भी एचपी क्वेश्चन में दी होंगी तो उसके करेस्पॉन्डिंग एक एपी भी आएगी, मतलब उनका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो एपी बन जाएगी। अगर ये लिखा हो कि थ्री टर्म्स हैं, इफ ए बी सी आर इन ए पी एज वेल एज जी पी एज वेल एज एच पी, ए पी और जी पी में दोनों में है, दो में भी होगा ए पी जी पी दोनों में, तो भी क्या होगा टर्म्स इक्वल होंगे एज वेल एज एच पी, देन ये तभी हो सकता है जब a बराबर b बराबर c हो, समझ रहे हैं, तीनों अगर टर्म इक्वल होंगे तो ap भी होगी gp भी होगी hp भी होगी। ap का से है कॉमन डिफरेंस क्या हो गया जीरो, hp क्या है कॉमन रेशियो क्या हो गया वन, ठीक है, और अगर इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो भी क्या आएगा वन बाई, जैसे कि मान लीजिए सभी x x x हैं, तो वन बाई एक्स वन बाई एक्स वन बाई एक्स, ये क्या है ये भी एपी में, कोई प्रॉब्लम सर? ये तीन टर्म से ज्यादा के लिए भी हो सकता है, हाँ कितने भी टर्म हो, अगर दो तीन से ज्यादा भी, a1 a2 a3 एक सीक्वेंस लिखी है an, ये ap और gp में दोनों है, इसका मतलब सभी टर्म्स आपस में इक्वल होंगे, ठीक है सर। नोट कर लीजिए ये पॉइंट्स, और उसके बाद थर्ड पॉइंट एक और पॉइंट लिखेंगे एचपी में, लिखिए पॉइंट नंबर थ्री, If A, B, C are in HP, three terms हैं अगर HP में, then one by A, one by B, one by C क्या होंगे? Are in AP, तो ये AP में होंगे, तो उस केस में क्या होता है वन बाई बी माइनस वन बाई ए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, एपी में तो यही होता है, या फिर इसको आप ऐसे ले सकते हैं टू अपान बी, वन बाई बी प्लस वन बाई बी, टू अपान बी इक्वल टू वन बाई ए प्लस वन बाई सी, एलसीएम लीजिए तो ए प्लस सी अपान ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी बराबर कितना आ जाएगा टू ए सी अपान ए प्लस सी, तो ध्यान रखें If three terms are in HP, तीन terms A, B, C, HP में हो, तो B बराबर क्या होता है 2AC upon A plus C, या 2B, B बराबर 2AC upon A plus C हो, तो ये terms क्या होते हैं HP में होते हैं, और अगर three terms HP में है A, B, C, तो then B is called harmonic mean, harmonic mean आप ए एंड सी, एपी में हो तो अरिथमेटिक मीन बोलते हैं, जीपी में हो तो ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं, और एचपी में हो तो हार्मोनिक मीन होता है। ये केवल तीन टर्म के लिए है, तीन टर्म है एबीसी,
तो बी कहा जाएगा ए और सी का, ठीक है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, अकॉर्डिंगली एपी जीपी एचपी बन रही। तो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं एचपी पे। इफ द थर्ड सिक्स्थ एंड लास्ट टर्म टर्म्स ऑफ एचपी आर 1/3, 1/5 एंड 3/203 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन एचपी, देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन एचपी। तो एचपी में नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करके बताएं, सभी लोग ट्राई करिए इसे। सर 100 आंसर, 100 सही है। हंड्रेड ठीक। अदिति कभी आ गया 100? और देखिए, यस नहीं बता दिया। तो लेट नंबर ऑफ टर्म्स बी, कृतिन आ गया बेटा 100 आ गया सर, आ गया सर, सही, वेरी गुड। तो लेट नंबर ऑफ टर्म्स बी एन, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं चेंज होंगे। मान लीजिए अगर मैं दो तीन टर्म लिखता हूँ ए बी सी, या उनका रेसिप्रोकल लिखता हूँ 1/a, 1/b, 1/c, ये भी 3 टर्म है, ये भी 3 टर्म है। अगर आप रेसिप्रोकल भी लेते हो तो नंबर ऑफ टर्म्स नहीं चेंज होंगे, तो एपी में जितने होंगे उतने ही एचपी में होंगे अगर हम उनका रेसिप्रोकल लेते हैं तब भी। तो लेट अस अज्यूम, लेट फर्स्ट टर्म बी ए, ये तो मैंने ऐसे एग्जांपल लिखा था, इसको नोट करने की जरूरत नहीं। फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी, मान लेते हैं फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, करेस्पॉन्डिंग एपी का, आप करेस्पॉन्डिंग एपी जो एचपी के करेस्पॉन्डिंग एक एपी आएगी, तो थर्ड टर्म एपी का क्या होगा? एपी का थर्ड टर्म ए प्लस 3-1 2d, और ये बराबर एचपी का थर्ड टर्म क्वेश्चन में दिया है 1/3 दिया है ना,
SP का कितना दिया है 1/3 थर्ड टर्म, तो उसका रेसिप्रोकल AP का हो गया। ऐसे ही सिक्स टर्म दिया है, सिक्स टर्म क्या है 1/5 HP का दिया है, AP का क्या होगा A+6-1 A+5D, तो AP का हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल 5। इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर दिया 2-1 कितना आ गया 3D = 2, D = 2/3। ये D रख दीजिए किसी भी एक इक्वेशन में फ्रॉम इक्वेशन 1, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/3। A आ गया, D आ गया, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, लास्ट टर्म ही nth टर्म है, क्वेश्चन में लिखा है लास्ट टर्म दिया हुआ है HP का, दैट इज nth टर्म TN कितना दिया है 3/203। ये किसका है HP का, तो AP का क्या हुआ 203/3, दैट इज इक्वल टू A+N-1 × D, A है 5/3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 2/3, 203/3 यही हुआ। देखिए 3 कैंसिल, यहां से 203 प्लस इक्वल टू 2n प्लस 3, तो n की वैल्यू 2n = 200, तो n = 100। देखिए सॉल्यूशन, कोई डाउट है किसी को बताइए। एक और क्वेश्चन लिखते हैं इस पे SP पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इफ ABC आर इन HP देन फाइंड द वैल्यू ऑफ B+A/B-A + B+C/B-C। बनाइए, इफ ABC आर इन HP में है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ B+A/B-A + B+C/B-C। बनाइएगा इसको, क्वेश्चन नंबर 2 बताओ ध्रुव कैसे सॉल्व करेंगे। सर सबसे पहले सर, सर ABC HP में है, तो सर 1/A जो होगा वो A1 इक्वल टू D, यहाँ पे सर D कॉमन डिफरेंस है। सर फिर 1/B को सर A1 लिख सकते हैं, और सर 1/C को सर A1+D लिख सकते हैं, तो सर फिर B+A/ मतलब इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं सर वैल्यू, मतलब ए बी और सी की जो आपने सर इक्वेशन लिख के B+A/B-A + B+A/B-C में, सर 1/A1 - 1/A1 + 1/A1 - D/ सर वैसे करके सर, तो सिंपलीफाई करेंगे तो सर 2 आएगा। सिद्धांत कैसे करोगे बेटा? 1/A+1/C = 2/B। हाँ ठीक, फिर A+C = 2AC/B, ठीक AB+BC = 2AC,
तो उससे फिर b plus a into b minus c plus b plus c into b minus a is equal to 2b square minus 2ac upon b square minus 2ac plus ac. Okay. और किसी का आया? देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा. सिद्धांत और ध्रुव ध्यान से सुनो और बाकी सभी स्टूडेंट्स भी, किस तरीके से आसान तरीका क्या रहेगा, कैसे सॉल्व कर सकते हैं. ए बी सी एचपी में है, 1/a, 1/b, 1/c किस में हुए? एपी में. लेट कॉमन डिफरेंस बी डी, इसका कॉमन डिफरेंस डी एज्यूम कर लेते हैं. इसका मतलब क्या है? 1/b माइनस 1/a डी है, और 1/c माइनस 1/b भी, ये भी डी है. सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस होता है, थर्ड माइनस सेकेंड कॉमन डिफरेंस होता है. थर्ड माइनस फर्स्ट करोगे तो 2d आएगा, बोल सकते हैं ऐसा? बोलिए. अब यहां पर देखिए क्या करें, वन बाई बी को नहीं, ठीक है यहां तक. अब हमें कौन सी एक्सप्रेशन चाहिए थी? ये एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो लिखते हैं दिस गिवन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन बी माइनस सी. ये कैलकुलेट करना है. इसके लिए क्या करें? फर्स्ट वन के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ए बी से डिवाइड कर दिए. ए बी से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा 1/a प्लस 1/b. डिनोमिनेटर में बताइए 1/a माइनस 1/b होगा क्या? ऐसे ही इसमें bc से डिवाइड कर दिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, 1/c प्लस 1/b, और ये क्या बनेगा? 1/c माइनस 1/b. अब देखिए ध्यान से, इस 1/a माइनस 1/b की वैल्यू यहां से 1/a माइनस 1/b की जगह क्या ले सकते हो? माइनस डी, और इसकी जगह 1/c माइनस 1/b की जगह डी. ये हो गया 1/c प्लस 1/b, और ये हो गया 1/a प्लस 1/b. ये माइनस न्यूमरेटर में चला जाएगा. अब दोनों का एलसीएम हो गया डी. डी इस पूरे का एलसीएम लिया मैंने, ये माइनस ऊपर लिखा तो ये हो गया माइनस 1/a माइनस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/b. ऐसे आया. देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, 1/b 1/a की कैंसिल. 1/c थर्ड टर्म है माइनस 1/a. 1/c माइनस 1/a कितना आएगा? 2d. ये आ गया न्यूमरेटर में 2d अपॉन डिनोमिनेटर में डी. कितना हुआ आंसर? आ गया 2. नोट कर लीजिए. नोट करिए. नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन. देखिए रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन.
अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन के लिए. लेट अस ए एंड बी दो नंबर्स हैं, आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, दोनों पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए, उन्हीं के लिए वैलिड है. तो इनका अरिथमेटिक मीन जिसको एम भी बोलते हैं, दो पॉजिटिव नंबर का अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ए प्लस बी बाई टू. ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी. एंड हार्मोनिक मीन, एच एम क्या होता है, टू ए बी अपॉन ए प्लस बी. ये अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन. Relation between arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean. अब देखिए क्या है वो relation? ये arithmetic, geometric, harmonic ये तो आ गए. और relation होती है arithmetic mean is always greater than or equal to geometric mean, is always greater than or equal to harmonic mean. Very very important one. In higher classes, not in 10th. बहुत इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर दैन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन. और इसमें अरिथमेटिक मीन ग्रेटर दैन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. कुछ क्वेश्चन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर दैन पे भी आते हैं, कुछ अरिथमेटिक मीन ग्रेटर दैन इक्वल टू हार्मोनिक मीन पे भी आते हैं. ये अरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है या उसके बराबर होता है. और इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से हमेशा बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, कभी छोटा नहीं होगा. इक्वालिटी होल्ड्स, इक्वालिटी होल्ड्स मतलब ये इक्वल होते हैं. बराबर कब होते हैं, दैट इज अरिथमेटिक मीन विल बी इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन विल बी इक्वल टू हार्मोनिक मीन. ये तीनों आपस में बराबर होते हैं इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी. अगर ये दोनों रियल नंबर जिसके लिए हम बात कर रहे थे वो इक्वल हो तो ये क्या हो जाता है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन इक्वल होते हैं. नोट कर लीजिए, क्वेश्चन लिखिए इस पर. इफ अरिथमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव रियल नंबर्स ए एंड बी इज 15 एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी इज 9, देन फाइंड द नंबर्स. Then find the numbers. करिए कैलकुलेट. सर 27 and 3. 27 and 3 सही है. यस सर. 3 and 27 और 27 and 3 दोनों सही है. यस सर. दो नंबर्स हैं ए और बी. अरिथमेटिक मीन क्या हुआ, ए प्लस बी बाई टू. अरिथमेटिक मीन क्वेश्चन में कितना दिया है, 15.
मतलब a प्लस बी बराबर कितना हुआ 30 एंड ज्योमेट्रिक मीन रूट ए बी ये कितना दिया है क्वेश्चन में 9 मतलब ए बी बराबर कितना हुआ 81 ये दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व करना है यहां से b की वैल्यू रख लो 30 माइनस ए ये इसमें रख दो तो a इंटू 30 माइनस ए बराबर 81 इसको सॉल्व करोगे तो a आ जाएगा 30 a माइनस ए स्क्वायर बराबर 81 मीन्स ए स्क्वायर माइनस 30 a प्लस 81 बराबर 0 इसको लिख लो a माइनस 3 इंटू a माइनस 27 बराबर 0 फैक्टराइज हो गया तो a की वैल्यू क्या होगी आइदर 3 आर 27 a 3 होगा तो यहाँ 3 रखो b आ जाएगा a की ये वैल्यू 3 इसमें रखेंगे तो b आ जाएगा तो मतलब b कितना होगा 27 होगा 3 रखने पे या अगर 27 होगा तो b कितना होगा 3 होगा तो मतलब a और b 3 या 27 या 27 3 कोई भी हो सकता है क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि कौन ग्रेटर है तो दोनों पॉसिबिलिटी हैं 327 और 273 सॉरी सेकंड क्वेश्चन ये फर्स्ट था इफ x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 z ग्रेटर देन 0 x y z तीनों ग्रेटर देन 0 हैं देन प्रूव दैट x प्लस y इंटू y प्लस z इंटू z प्लस x is greater than or equal to 8xyz. नहीं इसे बन जाना चाहिए आसान है हो जाए तो बताइए सिद्धांत का हो गया बताओ सिद्धांत कैसे करेंगे सर हाँ बोलो सर मैं बताऊं बोलो सर सर हमें पता है सर ए एम जी एम से बड़ा होता है हाँ तो सर x प्लस y बाई टू रूट एक्स वाई से बड़ा होगा और सर y प्लस z बाई टू रूट ऑफ y z से बड़ा होगा ठीक है बेटा बस ठीक है ये मतलब स्टार्टिंग सही होनी चाहिए तो आगे तो आ ही जाएगा am greater than equal to gm होता है ये हमें पता है तो x और y दो नंबर के लिए अगर मैं लिखता हूँ तो अरिथमेटिक मीन क्या हुआ x plus y by 2 greater than equal to root xy
x और y का अरिथमेटिक मीन होगा x plus y by 2, ज्योमेट्रिक मीन होगा रूट एक्स वाई, तो x plus y कितना हुआ? ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 रूट एक्स वाई. ठीक, इधर से y z के लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे? अरिथमेटिक मीन y plus z by 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू रूट y z, मतलब y plus z कितना हुआ? ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 रूट y z. ऐसे z और x में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? z plus x by 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू रूट z x. तो z plus x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2 रूट जेड एक्स. अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स, ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स. और इधर कितना होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 8, रूट एक्स इंटू रूट एक्स बन गया एक्स, रूट वाई इंटू रूट वाई वाई, रूट जेड इंटू रूट जेड जेड, ये आ गया 8 एक्स वाई जेड. देख लीजिए यही आंसर है, यही था ना प्रूव करना. बताइए किसी को कोई डाउट है समझने में तो बताइए. ठीक है, तो ये टॉपिक सीक्वेंस यहाँ कंप्लीट रखते हैं हम लोग. वैसे तो हायर क्लासेस इलेवेंथ में और भी है, फिर बाद में देखेंगे इसको. अब अगला टॉपिक क्या है बताइए, सीक्वेंस के बाद किसी को नहीं मालूम? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सर्कल्स या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा सर. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ठीक है ना, या कोई और टॉपिक पढ़ना है? एक तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही रखते हैं. सर 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 एक सर होता है सर जिसके अंदर सर डिवीजन का होता है कि सर डिवाइड करने पे क्या बचेगा, या फिर सर यूनिट मल्टीप्लाई करेंगे तो सर मतलब यूनिट डिजिट पे क्या होगा, या फिर मतलब डिवीजन का भी होता है मतलब ट्रिक वगैरह होते हैं, तो सर वो आप बता दोगे सर? क्योंकि सर वो सब सर आते हैं सर जैसे रियल नंबर्स वाले टॉपिक में से काफी, कि मतलब डिवाइड करेंगे पड़े किसी पावर को सर किसी भी प्राइम नंबर से. सर जैसे सर वो होता है सर एक प्राइम नंबर का, सर मैं नाम नहीं याद आ रहा सर, उसका एक ट्रिक होता है. बहुत सारे पॉइंट है बेटा. ठीक है, एक टॉपिक है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 11th में. हां सर ठीक है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं. अब लेकिन जो तुम्हारे क्वेश्चंस हैं वो तुम मुझे व्हाट्सएप करना, अगर उसकी जरूरत वो ऐसे दिखेगी तो बता दिया जाएगा. ठीक है क्लास में. अगला टॉपिक ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. हां, और एक बार ये आर्टिकल खत्म हो जाएंगे ना तो फिर पढ़ना ही है वो टॉपिक्स. ओके तो ये अगला टॉपिक फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रखते हैं. नेक्स्ट क्लास में आपको जैसा बताया टेस्ट है सीक्वेंस का, उसमें केवल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही अभी तक रखा है मैंने, तो वही रखते हैं. या आप जीपीएचपी भी चाहते हो तो मुझे चेंज करना पड़ेगा टेस्ट. एपी ही केवल है. ठीक है, अभी एपी है, फिर आगे दूसरा टेस्ट ले लेंगे जिसमें सब आ जाएंगे. ठीक है, अभी जो टेस्ट है सर उसमें सिर्फ एपी है ना? हाँ सिर्फ एपी है. ओके सर ठीक है, 5:50 to 6:50 वही टेस्ट क्लास की टाइमिंग पे साइट पे ही होगा. और अगली क्लास में हम लोग होमवर्क में अगली 2 डीपीपी एपी वाली, हाँ नेक्स्ट 2 डीपीपीस वो कर लीजिएगा, टेस्ट के लिए भी प्रिपरेशन हो जाएगी और आगे फिर उसी को डिस्कस कर लेंगे. सर थर्सडे को ही है ना? हाँ थर्सडे, परसों ठीक है, डे आफ्टर टुमारो. ओके एवरीवन, गुड नाइट. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.